माता वैष्णो देवी भवन में जो सानिया हुआ है और जिसमें तकरीबन अभी तक 12 लोगों की डेथ हुई है, जो श्रद्धालु हैं उनकी डेथ हुई है और 13 लोग इंजर्ड हो गए हैं, बहुत बड़ा सानिया आज रात को हुआ है। कुछ जो यात्री थे जो भवन में ही थे उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है। ये यात्री वहाँ पे मौजूद थे जब ये सारा कुछ हुआ है। आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम गीता है सर। जी हम नजफगढ़ दिल्ली नजफगढ़ से आए सर। आप ये बताइए क्या क्या हुआ था, क्या चीजें हुई थी वहाँ पे? सबसे बड़ी शिकायत हमें मैनेजमेंट से है क्योंकि वहाँ पे वो अरेंजमेंट एक सिक्योरिटी का जो होना चाहिए, जो सिक्योरिटी लेवल का, वो बिल्कुल नहीं था सर। ना कहीं पे कोई ज्यादा कहीं कहीं कोई चेकिंग भी ना मात्र की सर। हम 5 मेंबर है, हमारे में से एक का पूछा आपके पास कोविड की जो वैक्सीनेशन हुई है उसका आपके पास है सर? हाथ में लेके किसी ने जांच की? हमने बोला 5 मेंबर का एक में है, उन्होंने हाथ में लेके किसी की जांच नहीं की सर। और सर सिक्योरिटी के नाम पे बहुत कम मेंबर, बहुत कम फोर्स थी सर। जब ये हुआ है आपने कहाँ सुना, आप कहाँ कितनी दूरी? नहीं सर, पकड़ के मैं निकाला गया सर, हमें तो कुचल दिया गया, तो बच्चे वहाँ चले गए सर, हमारे अभी रूम पे भेजे पकड़ के। आप जैसे बड़े बड़े भाइयों ने सर बड़ी मुश्किल से पकड़ के निकाल, प्रसाद हाथ में सर, बिना पूरे श्रद्धालु वापस भेजे गए सर। किसी को भी दर्शन भी नहीं सर, किसी को भी दर्शन नहीं हुए सर, किसी को भी। रोते माँ के सर, 8 साल में आज माँ के दर्शन करने के सोचा था कि नया साल माँ के भवन में मनाएंगे, लेकिन बहुत जान माल का बहुत नुकसान हुआ है सर, बेचारों का बहुत। दूर की बात। मेरा नाम मनीषा है सर। आप वहीं पे थे? हाँ जी, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरा बेटा है। ये हादसा हमारे सामने हुआ है और हमें भी दबा लिया था बिल्कुल, आप जैसे भाइयों ने हमें जैसे तैसे वहाँ से निकाला है, जब हमारे प्राण बचे हैं और न हमारे किसी के भी दर्शन हुए भैया वहाँ पे। बगैर दर्शन के जितनी भी जनता आ रही है वापिस, ये सब बगैर दर्शन के आ रहे हैं। कैसे कैसे गरीब लोग एक एक पैसा इकट्ठा करके इतनी दूर आने की, माँ के दर्शन की इच्छा रखते हैं, फिर भी बगैर दर्शन करे अपने घर जा रहे हैं। हमें कितना दुख है। तो जब आपने जो इंसिडेंट सुना वहाँ क्या ऐसा माहौल था? वहाँ बहुत खराब माहौल था सर, बहुत इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे काफी फोर्स होती तो वो भी मुश्किल संभाल पाती थी। पीछे से क्यों नहीं रोक दिया था इतनी जनता को, या फिर लॉकडाउन लगा देते सर? ये नहीं होना चाहिए था सर। बहुत ज्यादा सर, जहाँ पे आप देखते सर आदमी आदमी नजर आ रहा, लेकिन मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गलती सर, ना कोई लाइन है आदमी, मतलब जैसे जानवर चलते है ना, भेड़ चल ऐसे धक्का मुक्की इतना था सर। अच्छे अच्छे चाहे कितने ही ताकतवर, वो भी एक बार गिरे बगैर रहे नहीं सर, इतना धक्का मुक्की था सर। आप जब आए हो तो अब फिर शुरू हो गई, तो आप जाओगे सर? इतनी पैरों में जान कहाँ बची सर, एक बार बड़ी मुश्किल से हार्ट बीट भी रही, जगह जगह रुक रुक के हम माँ के दर्शन के लिए अपने पैदल यात्रा की थी। दर्शन तो दूर की बात, हम अपनी जान बचा के यहाँ तक वापस आ गए, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट्स निकल के आता है, सीआरपीएफ को यहाँ की सिक्योरिटी दी हुई है, उनका तरफ से कोई भी जवान तैनात नहीं था जो भीड़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए या देखने के लिए, और साइन बोर्ड की तरफ से भी कोई भी कर्मचारी या कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं करी गई थी जिससे भीड़ को अच्छे से दर्शन करवाए जाए या रोका जाए। आज ये जो मैनेजमेंट करके दिखा रहे हैं, इतने सारे कैजुअलिटी होगी, इतने सारे लोगों की जान चली गई है, ये व्यवस्था इन्हें पहले क्यों नहीं करी गई? जब इन्हें पता था कि न्यू ईयर को इतना श्रद्धालु आता है, आरटीपीसीआर टेस्ट बोल रहे हैं ये, किसी का भी आरटीपीसीआर टेस्ट चेक नहीं हो रहा है, एक आदमी की कोविड की रिपोर्ट के साथ में 8-8 लोग उसी रिपोर्ट को दिखा के जा रहे हैं, ये जो आज ये सिक्योरिटी दिखा रही है इन्हें पहले दिखानी चाहिए थी। इससे क्या था कि जो लोग मर चुके हैं वो उनकी जान बच जाती। तो जाहिर तौर पर जो यात्री यहाँ पे उस वक्त थे वहाँ पे मौजूद थे, उनकी बड़ी शिकायतें हैं और उनका ये कहना है कि जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे मैनेजमेंट की तरफ से, जो श्राइन बोर्ड की तरफ से इंतजाम है, वो पूरे अच्छे नहीं थे। कुल मिला के जो यात्री अब यहाँ कटरा में हैं इस वक्त, और बहुत सारे उनमें से वापस दर्शन करने जा रहे हैं, और कोई लोग जो है अभी उन्होंने अपना मन नहीं बनाया, तो कुल मिला के जो व्यवस्था है वो कोशिश की जा रही है उसको सुनिश्चित करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, और जाहिर तौर पर नॉर्मलाइजेशन में, पूरी नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 कटरा जम्मू।